हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। अगर आप पर्ल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो पर्ल ने रिफंड के लिए आवेदन मांगे हैं, उनसे लिए हमें पैन कार्ड और स्टेंसिल चेक चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड या बैंक का स्टेंसिल चेक नहीं है, तो इसके लिए आपको तो क्या करना होगा, चलिए आज हम बताएंगे। हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। आप किसी कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाकर या किसी वकील के पास जाकर जो इनकम टैक्स का काम करता है उसके पास ये फॉर्म दे सकते हैं। इसकी मिनिमम फीस 150 रुपया होती है, आप और अप्लाई कर सकते हैं। इस पैन कार्ड के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में आपको बताएंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक चाहिए, एक आपकी फ़ोटो, दूसरा आधार कार्ड। आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम सही होना चाहिए। दूसरा आधार कार्ड से ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मीन्स सिर्फ जन्म का साल ना हो, उस पर जन्म की डेट, मंथ और ईयर भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, जैसे 10वीं का या वोटर कार्ड, जिससे ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी हो, वो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप आधार कार्ड पर किसी प्रूफ लगाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पूरी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्टेंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक का वेरिफिकेशन लेटर अप्लाई करें। और ये बैंक का वेरिफिकेशन लेटर कैसे अप्लाई करना है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। वो वेरिफिकेशन लेटर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसे कैसे फिल करना है, कैसे हासिल करें, वो हमने हमारी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन तो दबाइए, जिससे आपको तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आपको तो काम है वीडियो शेयर करना, शेयर कीजिए। धन्यवाद।